तो दोस्तों आज जानने वाले हैं SBI के फास्टैग में कैसे रिचार्ज किया जाता है ऑनलाइन। और इससे पहले जो अपने वीडियो आ चुके हैं काफ़ी, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं SBI फास्टैग के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे उसका अप्रूवल स्टेटस चेक किया जाता है और SBI फास्टैग की कैसे KYC की जाती है और उसका थोड़ा बहुत नॉलेज अभी मैं आपको फिर से दे दूंगा ऑनलाइन कि किस तरीके से सारी चीज़ें की जाती है। और बाकी आप मेरे जो वीडियो हैं फास्टैग की KYC कैसे करें, SBI की कैसे उसके जो वॉलेट की लिमिट है उसको आप बढ़ा सकते हैं और SBI फास्टैग आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे उसको मंगवा सकते हैं, सारी जानकारी ऑलरेडी पिछले जो वीडियो आए थे उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से दिए। और कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और अपना जो डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो SBI का फास्टैग है, क्योंकि अभी काफ़ी दिक्कत आ रही है पेटीएम में, लोग उलझे हैं उसमें फास्टैग है कि क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों मेरा भी पेटीएम से फास्टैग बना हुआ था कार का, तो मैंने उसे आज से 8 से 10 दिन पहले क्लोज किया और क्लोज करते नेक्स्ट डे मैंने न्यू फास्टैग SBI के लिए अप्लाई कर दिया था और ओनली 5 डे के अंदर ही अप्रूव हो गया। और उसका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है और कोरियर स्टेटस सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है किस पोर्टल पर होता है, तो उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो वो होम डिलीवरी होने के बाद और उसके बाद हम उसमें कैसे रिचार्ज करते हैं, तो काफ़ी फास्ट सर्विस है दोस्तों और गवर्नमेंट की बैंक है, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आने वाले टाइम में। KYC भी हो जाएगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सब मैंने उसमें आपको बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पिछले जो वीडियो आए उसमें जाकर देख सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों आज बात करते हैं स्टेप बाई स्टेप जो फर्स्ट वीडियो में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और क्या सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, कितना अमाउंट होता है फास्टैग का, वो मैंने बता दिया। सेकेंड वीडियो में अप्रूवल स्टेटस कैसे चेक करें और काफ़ी बंदों के मन में डाउट है कि जो फर्स्ट क्लोज होने से पहले दोस्तों जैसे हम क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं वहाँ से अपना जो फास्टैग स्टेटस है वो क्लोज शो होने लगता है आपके, जब भी आप चेक करते हैं फास्टैग के पोर्टल पे जाके करेंगे तो वहाँ पे भी क्लोज बता देगा। और उसके तुरंत बाद ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है क्योंकि 10 से 15 दिन वैसे भी SBI का फास्टैग 15 दिन तो घर पे आने को ले लेता है, 5 से 6 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाती है अगर प्रॉपरली जैसे मैंने बताया आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो रिजेक्ट होने का डर भी नहीं है, क्योंकि बाय द वे थोड़ी बहुत भी आपने गलती कर दी तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा और अमाउंट है जो भी डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो इन्फो से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है कि लोग परेशान होते हैं SBI का जो फास्टैग है उसको कैसे रिचार्ज करना है, काफ़ी ईजी और काफ़ी फास्ट हो जाता है, बिल्कुल सेफली आप गूगल पे फोन पे उससे भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले SBI से ही हम डायरेक्ट कैसे रिचार्ज करना है फास्टैग को मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फो के टेक्निकल वीडियो भी आपको देखने को मिलते रहे और अदर वीडियो भी देखने को मिलते रहे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं SBI फास्टैग कैसे रिचार्ज करें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन कर लेना है, इसके बाद SBI फास्टैग लॉगिन इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं SBI फास्टैग, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और इसके बाद में जो पासवर्ड है यहाँ पे आप डाल दीजिए और इसके बाद में जो कैप्चा कोड है इसको डालने का साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे सारे फीचर्स फास्टैग को सरेंडर करने से लेकर व्हीकल इन्फो, फास्टैग कंप्लेंट, KYC अपग्रेड, सरेंडर टैग, व्हीकल नंबर अपडेट, चेंज पिन बैलेंस ट्रांसफर, सारे फीचर्स SBI के पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद दोस्तों सिंपल सा आप देखिए कस्टमर ऑनलाइन ऐड टैग, जी हाँ दोस्तों इधर से हमने न्यू फास्टैग के लिए अप्लाई किया था और ये जो टैग रिचार्ज है इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आप देखिए अभी करंट बैलेंस बता रहा है 200 रुपये, तो हम इसको चूज ये टाइप SBI ई पे बिल डेस्क, तो हम बिल डेस्क से इसको पे करने वाले हैं। इसमें हम अभी ओनली 50 रुपीज़ आपको मैं इसमें अपडेट करके बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी 200 रुपीज़ इसके अंदर अपना आप देख सकते हैं बैलेंस है, तो ये 250 हो जाएगा। तो पे नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होने के लिए, नेट थोड़ा स्लो है तो ये देखिए दोस्तों इंटरनेट नेट बैंकिंग, इसमें आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी इसमें आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं, बैलेंस डाल सकते हैं और इंटरनेट नेट बैंकिंग और QR कोड। जी हाँ दोस्तों QR कोड का जो मेथड है ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है और ये गूगल पे फोन पे किसी से भी हम को स्कैन करना होता है और इसके बाद ये सारा इसमें अपडेट हो जाएगा। तो मेक ए पेमेंट, जी हाँ दोस्तों ये प्रोसेस विथ पेमेंट, जी हाँ दोस्तों इसमें कोई भी GST नहीं है। और वीडियो थोड़ा बड़ा है दोस्तों लेकिन अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, तो आपके जो भी डाउट हो क्लियर होंगे, बाकी आप कॉमेंट कीजिए। तो प्रोसेस कर देते हैं यहाँ से, तो जब तक पूरा अपडेट ना हो जाए देखते रहिए आप। तो अभी ये यहाँ पे
स्कैन क्यूआर कोड, क्लिक हियर स्कैन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों पे होता है, देखिए एक न्यू इंटरफेस यहाँ से ओपन हो जाता है और ये कह रहा है सिक्योरिटी एरर बता रहा है। तो चलिए फिर से चल कर देखते हैं सिक्योरिटी एरर की वजह से क्या हमारा जो पेमेंट इसमें अपडेट हुआ है या वो फिर से रिफंड होने वाला है। तो फिर से हम वही प्रोसेस करते हैं, वो पोर्टल पर चल कर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है वॉलेट में पैसा आ गया हो। तो जल्दबाजी ना करें, अगर आपने बड़ा अमाउंट भी इसमें डाला है तो भी एक बार फिर से पोर्टल को चेक कर लीजिए। ऐसा बहुत सी बार हो जाता है कि सिक्योरिटी एरर की वजह से वो विंडो पे शो हो जाता है कि आपका रिचार्ज नहीं हुआ है या नेट की कनेक्टिविटी की वजह से। तो ये पोर्टल ओपन हो गया दोस्तों अपना, और टैग रिचार्ज में फिर से देखते हैं अपना यहाँ पर अमाउंट आया नहीं आया। तो ये लो गाइज आ चुका है 250, देख लीजिए आप 250, जो 50 रुपये हमने डाला था। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, अगर आपने 500 या 1000 कुछ भी डाला है तो फिर से डबल पैसा इसमें आपका जमा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बार अगर आपने गूगल पे, फ़ोन पे, किसी से भी QR कोड स्कैन करके इसमें अमाउंट डाल दिया है तो एक बार लॉगिन ज़रूर करके इसको चेक कर ले, फिर से अपना अकाउंट लॉग आउट कर दीजिए। तो गाइज ये है SBI का पोर्टल, जहाँ से हम सारी सुविधाओं का एक ही छत के नीचे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फास्टैग को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि बिना KYC कल को गाड़ी टोल पे रुक सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो आपको डबल चार्ज देना होगा, जिससे कि आपको नुकसान भी होगा, टाइम भी ख़राब होगा। तो सबसे पहले अपने फास्टैग के लिए अप्लाई कीजिए। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।